हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, असेसमेंट ऑफ किडनीज एंड यूरिनरी फंक्शन, मतलब किडनीज के लिए जो है फंक्शन को चेक करने के लिए हम कौन कौन से डायग्नोसिस करते हैं, ये हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहला हम बात करते हैं यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर। ये जो हम एग्जामिनेशन करते हैं किडनी की फंक्शन चेक करने के लिए, मेनली द यूरिन एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द किडनी फंक्शन एंड हेल्प डायग्नोज डायबिटीज। किडनी फंक्शन को भी बताता है और डायबिटीज को भी बताता है यूरिन एनालिसिस या फिर यूरिन कल्चर। सेंसिटिविटी, यूरिन इन्फेक्ट, मतलब किडनी के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए इसको भी हमें बताता है यूरिन कल्चर। द यूरिन कल्चर डिटरमाइंस वेदर बैक्टीरिया आर प्रजेंट इन द यूरिन। यदि बैक्टीरिया प्रजेंट है यूरिन के अंदर तो ये भी हमें बताता है यूरिन कल्चर। अब हम बात करेंगे यूरिन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन में इंक्लूड द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए सभी पाए जाते। पहले यूरिन कलर हम देखते हैं, दूसरा यूरिन कलर कैसा है, दूसरा हम बात करते हैं यूरिन क्लेरिफाई क्या है, यूरिन की क्लियरिटी कितनी है, और इसके बाद से यूरिन से ऑर्डर मतलब बदबू कैसा आ रहा है, यूरिन का पीएच कैसा कितना है, एल्केलाइन है या एसिडिक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, मतलब यूरिन की जो ग्रेविटी है वो कितना है, मतलब यूरिन का ऑस्मोलिटी क्या है, ये सब भी हम चेक करेंगे। टेस्ट टू डिटेक्ट प्रोटीन, यूरिन के अंदर कितना प्रोटीन आ रहा है, कितना ग्लूकोज है, एंड कीटोन बॉडीज कितना है, ये हम चेक करते हैं। इसके अंदर मेनली प्रोटीन यूरिया तो नहीं है कहीं, यूरिन के अंदर जो प्रोटीन पास आउट होती है इसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। रीनल ग्लाइकोसूरिया तो नहीं है, मतलब ग्लूकोज तो प्रेजेंट नहीं है। कीटोन यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज तो यूरिन के अंदर ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद से हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन सेडिमेंटेड आफ्टर सेंट्रीफ्यूजन टू डिटेक्ट आरबीसी, मतलब ईएसआर को भी जो हम चेक करते हैं। इसके बाद से हम हिमेचूरिया चेक करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को चेक करते हैं, इसको पायूरिया कहते हैं, क्रिस्टल्स क्रिस्टल यूरिया चेक करते हैं, और बैक्टीरिया को हम चेक करते हैं बैक्टीरिया यूरिया के द्वारा। मतलब यूरिन के अंदर डब्ल्यूबीसी तो प्रेजेंट नहीं है, यूरिन के अंदर आरबीसी तो प्रेजेंट नहीं है, यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स तो प्रेजेंट नहीं है, और कोई बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके कौन कौन से जैसे कलर्स के बेसिस पर। सबसे पहले हम देखते हैं ये यूरिन कलर जो है और पॉसिबल कॉज क्या क्या हो सकते हैं। पहला, यदि यूरिन कलरलेस हो या फिर पेल येलो कलर का हो, क्या हो, कलरलेस हो, मतलब व्हाइट कलर भी नहीं कह सकते, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, या फिर पेल येलो कलर है, तो क्या होता है, डायल्यूट यूरिन है ड्यू टू डायूरेटिक एजेंट। डायूरेटिक एजेंट के कारण क्या है, यूरिन जो है डायल्यूट देखने को मिलेगा। इसके बाद से डायबिटिक इंसिपिडस में ऐसा केस देखने को मिलता है, और ग्लाइकोसूरिया में भी जो है कलरलेस और पेल येलो कलर जो है हमें यूरिन का देखने को मिलता है। इसके बाद से येलो टू मिल्की व्हाइट, मिल्की व्हाइट मतलब गंदा सफेद सा भद्दा सा कलर दिखेगा और येलो कलर में दिखेगा, तो हमें पायूरिया या इन्फेक्शन को कॉज करता है। मिल्की व्हाइट मतलब पस की तरह हमें यूरिन के अंदर देखने में लगा, तो इन्फेक्शन को या फिर वेजाइनल क्रीम हो सकता है इसके बाद के कारण हो सकता है। इसके बाद से हम बात करते हैं अगली कलर, यदि ब्राइट या येलो देखने को मिले तो मल्टीपल विटामिन प्रिपरेशन, मतलब जो है यूरिन के अंदर जो है मल्टीपल विटामिन देखने को मिलेंगे, तो हमें यूरिन का कलर ब्राइट येलो देखने को मिलेगा। यदि यूरिन का कलर पिंक टू रेड देखने को मिले तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है, आरबीसी की जो सेल्स है मतलब रेड रेड ब्लड सेल्स जो है वो हमें यूरिन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ग्रॉस ब्लड मतलब ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स है वो हमें ज्यादातर देखने को मिलेगी। इसके बाद से मेंसेज, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है इसके अंदर भी हमें पिंक टू रेड कलर देखने को मिलेगा। ब्लेडर और प्रोस्टेट की यदि सर्जरी हो, ब्लेडर की सर्जरी करें या हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की यदि कोई सर्जरी करते हैं तो भी हमें यूरिन का कलर जो है पिंक या रेड कलर देखने को मिलता है, या फिर ब्लैक वेरीज के अंदर जो सिंड्रोम्स भी होती है ब्लैक वेरीज, इसके अंदर भी हमें पिंक और रेड कलर यूरिन का देखने को मिलता है। कोई कोई मेडिकेशन जब हम देते हैं, जब भी हमें पिंक और रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है, जैसे फिनोटोइन देते हैं जिसका डिलेटिन बोलते हैं इसको, ये भी देखने को, रिफामिसिन जो है रिफाविडिन बोलते हैं इसको देखने को, मतलब रिफामिसिन क्या है, एक एंटी ट्यूबरकल ड्रग है, इसके अंदर देखने को मिलता है। थायरोडाइजीन जो मेलाडिल नाम से आता है, ये ड्रग्स जब हम देते हैं तो भी हमें यूरिन का कलर रेड देखने को मिलता है। केस्कार का, सागार्डा, सेना सेना प्रोडक्ट्स, ये सब जो है हमें यदि हम ड्रग्स देते हैं या मेडिकेशंस देते हैं तो हमें यूरिन का कलर जो है पिंक रेड देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल्स है। ब्लू और यदि ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिलता है, यदि सोडोमोनास स्पीसीज ऑर्गेनिज्म यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो हमें यूरिन का कलर ब्लू और ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिलता है। या फिर हम कोई मेडिकेशन देख रहे हैं जैसे एंटी ट्रिप्टिलिन एससीएल देते हैं, जिसको हम एमी ट्रिप्टिलिन नाम से जानते हैं, जानते क्या इसका ब्रांड नेम है ये, इसके बाद से ट्राइमेटेरिनिन या फिर डायरिन्यूनिन नाम से आता है। यदि ये ड्रग्स हमें देख यदि हम ये ड्रग्स पेशेंट को देते हैं तो हमारे जो पेशेंट का जो यूरिन कलर है वो ब्लू और ब्लू ग्रीन देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल्स होते हैं। इसके बाद से ऑरेंज टू अम्बर कलर यदि हमें देखने को मिले यूरिन का, तो हमें कंसंट्रेटेड यूरिन में, यदि कंसंट्रेटेड यूरिन हो
ड्यू टू डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी हो बॉडी के अंदर, फ्लूड की कमी हो बॉडी के अंदर, तो हमें यूरिन का कलर जो है ऑरेंज कलर या अम्बर कलर देखने को मिलते हैं, या फिर फीवर के अंदर यूरिन के अंदर बाइल प्रेजेंट हो, या फिर एक्सेसिव ब्लूरिन बिलीरुबिन और कैरोटीन यदि हमें यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो हमें यूरिन का कलर ऑरेंज टू अम्बर देखने को मिलेगा। कभी कभी हम मेडिसेशन देते हैं इसके कारण भी होता है, जैसे फेना जो पायराडीन देने पर हाइड्रोक्लोराइड जिसका ब्रांड नेम है पायरीडीनम, इसके बाद नाइट्रो फ्लुरेंटोइनिन जिसको हम बोलते हैं फ्लुडाडेंटिन नाम से आता है, फ्लुरा डेंटिन नाम से आता है ब्रांड नेम है इसका, यदि ये दोनों ड्रग्स हम देते हैं तो हमें यूरिन का कलर जो है ऑरेंज टू अम्बर देखने को मिलेगा। ब्राउन टू ब्लैक, यदि ब्राउन टू ब्लैक यदि यूरिन कलर आता है तो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स देखने को, मतलब आरबीसी जो है पुराना डिस्ट्रक्शन हुआ हो ब्लड के अंदर वो हमें देखने को मिलेगा, फिर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहीं ऊपर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में हुआ वो हमें देखने को मिलेगा, तो हमें जो है आरबीसी का कलर जो है वो ब्राउन देखने को मिलता है, इसलिए जो है यूरिन का कलर ब्राउन टू ब्लैक देखने को मिलेगा। इसके बाद से यूरोबिलिनोजन हो प्रेजेंट यूरिन के अंदर, बिलरुबिन प्रेजेंट हो, मेलेनिन यदि यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो तो भी हमें देखने को मिलेगा, प्रोफेराइरिन या फिर डिहाइड्रेशन में भी ब्लैक टू ब्राउन देखने को, मतलब ब्राउन टू ब्लैक जो है यूरिन कलर में देखने को मिलेगा। कभी कभी मेडिकेशन से होता है, जैसे कौन कौन सा मेडिकेशन है, कैस्केरा सागार्डा के कारण मेट्रोनिडाजोल जाते हैं हम, ये मेट्रोनिडाजोल जो एंटीबायोटिक है इसके कारण भी जो है ब्राउन टू ब्लैक देखने को मिलता है हमें यूरिन का। इसके बाद से यदि हम आयरन प्रिपरेशन दें मतलब आयरन की टैबलेट या आयरन की इंजेक्शन दें तो भी हमें देखने को मिलेगा, या फिर क्विनीन सल्फेट मतलब ये मलेरिया की ड्रग्स है इसको देने के बाद भी यूरिन का कलर ब्राउन टू ब्लैक आने लग जाता है, सेना प्रोडक्ट दे या फिर माइथिल डोपा दे एल्डोमेट नाम से आता है, या फिर नाइट्रो फ्रूटानोनिन दे फ्रूनाटोनिन दे नाइट्रो फ्रूनाटोनिन दे तो भी हमें यूरिन का कलर जो है ब्राउन टू ब्लैक देखने में, ये मतलब ये फाइंडिंग्स है यदि यूरिन के कलर के कौन कौन से कॉज हैं या फिर पॉसिबल कॉज ये हैं इसके कारण जो है यूरिन का कलर ये हो सकता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हमें क्या क्या देखने को मिलेगा यूरिन कल्चर के अंदर या फिर यूरिन सेंसिटिविटी चेक के अंदर। नॉर्मली अबाउट 1 मिलियन जो आरबीसी पास इनटू द यूरिन डेली, नॉर्मली जो है हमारी बॉडी के द्वारा 1 मिलियन जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स है उसको पास किया जाता है मतलब बाहर निकाला जाता है बॉडी से यूरिन के द्वारा डेली, ये क्या है नॉर्मल है। हिमेचुरिया, हिमेचुरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर ब्लड का प्रेजेंट होना, मे इनिशियली टू डिटेक्टेड यूजिंग ए डिपिस्टिक टेस्ट, और हिमेचुरिया का जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं जल्दी जल्दी डिपिस्टिक टेस्ट के द्वारा, और फर्दर इवेल्युएशन करते हैं इसकी नेसेसरी होती है टू 24 आवर्स कलेक्शन, जो यूरिन का 24 आवर्स का जो कलेक्शन करते हैं इसमें हम चेक करते हैं फर्दर ही इवेल्युएशन करते हैं, मेनली यूज करते हैं हम इसको हिमेचुरिया को चेक करने के लिए डिपिस्टिक टेस्ट। इसके बाद से प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, मे बी बिगनिंग फाइंडिंग्स, ये क्या होता है बिगनिंग फाइंडिंग्स होती है, और इट मे बी सिग्निफाई सीरियस डिजीज, ये तो हमें सिग्निफाई करती है सीरियस डिजीज के लिए, ओकेजनली लॉस अप टू 150 mg पर डे ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, मेनली जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन यूरिया जब देखने को मिलेगी जब 150 mg पर डे यूरिन का लॉस हो, यूरिन के अंदर प्रोटीन का लॉस हो, प्राइमरली एल्बुमिन इज द कंसिडर नॉर्मल, यदि एल्बुमिन जो है हमारे अंदर नॉर्मली लॉस होती है बॉडी से 150 mg पर डे। ए डिपिस्टिक एग्जामिनेशन विच कैन डिटेक्ट फ्रॉम 32,000 mg पर डीएल ऑफ प्रोटीन, डिपिस्टिक टेस्ट हमारी बॉडी के अंदर यूरिन का एग्जामिनेशन जब मतलब सक्सेसफुल होता है जब हमारे यूरिन के अंदर 32,000 mg पर डीएल प्रोटीन एक्सक्रेट आउट हो रहा हो या यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो तो। इसके बाद से माइक्रो माइक्रो एल्बुमिनोरिया, माइक्रो एक होता है मैक्रो एक होता है माइक्रो, माइक्रो होता है छोटी यूनिट मैक्रो होता है बड़ी यूनिट, यदि माइक्रो एल्बुमिनोरिया मतलब एल्बुमिन के जो है बहुत कम मात्रा में यदि यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे एल्बुमिन के एक्सक्रेशन 200 mg पर डीएल ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन हमें देखने को मिले तो अर्ली साइन है डायबिटिक न्यूरोपैथी का, डायबिटिक न्यूरोपैथी का अर्ली साइन कौन सा है माइक्रो एल्बुमिनोरिया मतलब यूरिन के अंदर जो है एल्बुमिन का प्रेजेंट होना 200 mg पर डीएल तक। कॉज ऑफ परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया मतलब एक परसिस्टेंट मतलब लगातार यदि पेशेंट के अंदर प्रोटीन यूरिया देखने को मिले मतलब यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन का लॉस हो लगातार, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहला है ग्लोमेरुलर डिजीज, ग्लोमेरुलस जो मेम्ब्रेन होती है यदि रप्चर हो गया हो या इसके अंदर इंफ्लामेशन हो गया तो हमें देखने को मिलेगा, मेलिग्नेंसीज देखने को मिले मतलब कैंसर देखने को मिले तो देखने को मिलेगा, कोलेजन फाइबर या कोलेजन डिजीज हो जाए तो देखने को मिलेगा, डायबिटीज के अंदर देखने को मिलेगा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, प्री एक्लेम्सिया डायबिटीज मतलब प्री एक्लेम्सिया हाइपरटेंशन होना
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हमें देखने को मिलता है, हाइपोथायरोडिज्म में भी देखने को मिलेगा, हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। इसके बाद से एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स, यदि हैवी मेटल्स के एक्सपोजर में हो रहा है तो भी हमें देखने को मिलेगा। जैसे हैवी मेटल्स आपको बताऊँ, हैवी मेटल्स बताऊँ तो जैसे लिथियम है, लिथियम के केस में भी हमें देखने को मिलती है। द यूज ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशंस के यूज में देखने को मिलती है, जैसे कि नॉन स्टीरोइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नसेड्स यदि दें हम, इसके बाद से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यदि हम देते हैं तो हमें जो है यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, परसिस्टेंट मतलब रेगुलर लगातार देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो डायग्नोसिस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम चेक करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का होती है वो हमें चेंजेस देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। यदि यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट हो, प्रोटीन प्रेजेंट हो एंड कास्ट इन द यूरिन, या फिर कास्ट यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो तो हमें जो है यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो तो हमें यूरिन के अंदर जो है ग्रेविटी चेंज देखने को मिलती है। नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0102, 1.025, ये जो है नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब मेथड है ये जो हमें डिटरमाइंस करते हैं या फिर पता लगाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का, कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला है हमारे पास मल्टीपल टेस्ट डिपिस्टिक, मोस्ट कॉमन मेथड है ये। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिएजेंट एरिया और स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हमारे पास रिएजेंट एरिया है उसके डालते हैं या फिर उसके द्वारा हम चेक करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। दूसरा आता है यूरिनोमीटर, यह होती है लिस्ट एक्यूरेट मेथड है, मतलब ये सबसे कम जो है एक्यूरेसी इसका अंदर ये मेंटेन करता है यूरिनोमीटर। तीसरा आता है रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर ये तीन मेथड है जिसके द्वारा हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर सकते हैं। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड्स लार्जली ऑन हाइड्रेशन स्टेटस, ये जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये डिपेंड करता है लार्जली मतलब मोस्टली ऑन द हाइड्रेशन स्टेटस पर, मतलब पेशेंट डिहाइड्रेशन में है या फिर हाइड्रेशन मेंटेन करता है इसके ऊपर जो है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है डिपेंड करता है। व्हेन फ्लूड इनटेक डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली इंक्रीज, मतलब यदि पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा रहा है, फ्लूड इनटेक डिक्रीज मतलब पेशेंट डिहाइड्रेशन हो रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली इंक्रीज, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ता है, मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती जो है एक दूसरे के हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और जो डिहाइड्रेशन है या फिर हाइड्रेशन जो है वो। कंडीशन डेट कॉज डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर जो है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमें कम देखने को मिलती है, जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस है इसके अंदर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, ग्लोमेरुलस जो मेम्ब्रेन होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डेट कैन कॉज इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्लूड, ये तो है डिक्रीज के अंदर दो, डायबिटिक इंसिपिडस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर मेनली जो है हमें यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है डिक्रीज देखने को मिलती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमें यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इंक्रीज देखने को मिलती है, जैसे डायबिटिक नेफ्राइटिस एंड फ्लूड डेफिसिट, मतलब जब बॉडी के अंदर जो है फ्लूड डेफिसिट हो, डिहाइड्रेशन में जाए तो जो है हमारे यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन का जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिले तो हमारे यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इंक्रीज देखने को मिलता है, और डायबिटीज के केस में भी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमें डिक्रीज नहीं इंक्रीज देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो डायग्नोसिस है, ओस्मोलैरिटी। ओस्मोलैरिटी भी हम चेक करते हैं यूरिन का, मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट होता है ऑफ द किडनी एबिलिटी टू डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड यूरिन, किडनी की क्या एबिलिटी है, मतलब किडनी कितना फंक्शनल है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड यूरिन, कितना तो डाइल्यूट यूरिन आ रहा है या कंसंट्रेटेड यूरिन आ रहा है, इसको चेक करने के लिए जो है ऑस्मोलरिटी जो है एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। इन हेल्दी एडल्ट सीरम ऑस्मोलरिटी इज 280 to 300 ऑस्मो जो है पर केजी, ये इसकी यूनिट है एमओएसएम पर केजी, ये नॉर्मल होता है सीरम ऑस्मोलरिटी 280 से 300 ऑस्मो पर केजी, और नॉर्मल यूरिन ऑस्मोलरिटी जो है 200 से 800 मॉस्मो पर केजी होती है। यदि हेल्थी एडल्ट है तो उसका जो सीरम का जो ऑस्मोलरिटी है, यदि सीरम का ऑस्मोलरिटी की हम बात करें तो 280 से 300 मॉस्मो पर केजी होता है, यदि हम नॉर्मल यूरिन ऑस्मोलरिटी की बात करें तो हमें 200 से 800 जो है हमें देखने को मिलते हैं, यदि हम सीरम की बात करें तो 280 से 300 और यदि हम यूरिन की बात करें तो 200 से जो है हमें 800 देखने को मिलता है। फॉर ए 24 आवर्स यूरिन सैंपल द नॉर्मल वैल्यू इज 300 to 900 मॉस्मो पर केजी, यदि हम 24 घंटे की यूरिन सैंपल ले, कलेक्ट किया हुए में से यदि हम सैंपल लेते हैं तो हमें जो नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलती है वो 300 से 900 तक हम
नॉर्मल कलेक्ट करते हैं यूरिन सैंपल के अंदर। अब हम अगला बात करते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको आरएफटी या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी के नाम से भी जानते हैं। ये मेनली हम कर लेते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज भी हुआ है। रीनल फंक्शन टेस्ट आर यूज टू इवेलुएट द सीवियरिटी ऑफ किडनी डिजीज। इससे हम किडनी की डिजीज की जो सीवियरिटी है उसको मतलब डायग्नोज करते हैं, पता लगाते हैं, एंड टू एसेस द स्टेटस ऑफ द पेशेंट किडनी फंक्शन, और एसेस करते हैं, पता लगाते हैं कि पेशेंट की किडनी फंक्शन का स्टेटस कैसा है। कॉमन टेस्ट ऑफ द रीनल फंक्शन इंक्लूड, ये जो है कॉमन टेस्ट है रीनल फंक्शन का, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मतलब किस किस चीजों का चेक करते हैं। पहला हम करते हैं रीनल कंसंट्रेशन टेस्ट, रीनल कंसंट्रेशन कितना, मतलब यूरिन का कंसंट्रेशन कैसा है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट भी करते हैं इसके अंदर, और तीसरा हम करते हैं सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल देखते हैं, मतलब सीरम क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं, नाइट्रो यूरिया गिल से, मतलब नाइट्रो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN लेवल भी हम इसके अंदर चेक करते हैं, और हम जो देखते हैं कि यूरिन का कंसंट्रेशन कैसा है। ये तीनों चारों चीजों जो हम चेक करते हैं आरएफटी या केएफटी के अंदर, हम देखते हैं टेस्ट और नॉर्मल वैल्यूज। आरएफटी के अंदर रीनल कंसंट्रेशन चेक करने के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल होती है 1.010 टू 1.025। दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर यूरिन ऑस्मोलरिटी, ये दोनों हम यूरिन कंसंट्रेशन के लिए चेक करते हैं, जो कि हमें यूरिन ऑस्मोलरिटी देखने को मिलती है 250 से 900 मॉस्म पर केजी पर 24 आवर्स में, और 50 से 1200 मॉस्म पर केजी इन रैंडम सैंपल यदि हम लेते हैं तो हमें 50 से लेकर 1200 तक हमें देखने को मिलेगा, और यदि हम नॉर्मल सैंपल लेते हैं तो हमें 250 से 900 देखने को मिलेगा तुरंत लेते हैं, तो यदि हम रैंडम लेते हैं तो 50 से 1200 देखने को मिलते हैं। दूसरा हम जो चेक करते हैं 24 आवर्स यूरिन के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस में हम कहते हैं मीजर्ड करते हैं इसको, मतलब जिसका यूनिट है ML पर, मतलब मिलीमीटर पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर, ये जो है बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से लेते हैं, लेकिन इसकी जो यूनिट है ये है ML पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। एज के अकॉर्डिंग ये अलग अलग करता है, जेंडर के अकॉर्डिंग भी ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे 30 एज के अंदर मेल के अंदर 88 से 146, फीमेल के 81 से 134 देखने को मिलता है। यदि एज 30 टू 40 के बीच में हो तो मेल के अंदर जो है 82 से 140 और फीमेल के अंदर 75 से 128 देखने को मिलता है। नॉर्मली यदि हम 70 से 80 एज की बात करें तो जो है मेल के अंदर 55 से 115 और फीमेल के अंदर 52 से 105 देखने को मिलती है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी रेट जो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस की कम होती जा रही है। इसके बाद से हम जो तीसरा इसके अंदर पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना है, 0.6 टू 1.2 mg पर dl, या फिर हम दूसरी यूनिट की बात करें तो 50 से 110 मोल पर लीटर जो है ये नॉर्मल वैल्यू है सीरम क्रिएटिनिन की। अब चौथा हम बात करते हैं BUN की, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की, 7 टू 18 mg पर dl। यदि पेशेंट 60 ईयर्स का है या इससे ज़्यादा है तो 8 से 20 mg पर dl भी हमें देखने को मिलता है, तो हम उसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं। BUN टू क्रिएटिनिन रेशियो, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन की रेशियो चेक करते हैं तो अबाउट 10:1 होता है, मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यदि 10 है तो हमें क्रिएटिनिन जो है 1 देखने को मिलता है। ये रेशियो होती है BUN और क्रिएटिनिन के बीच। अब हम अगला बात करते हैं किडनी यूरेटर एंड ब्लेडर स्टडी, अगला जो हमारी ये डायग्नोसिस है किडनी यूरेटर एंड ब्लेडर की हम स्टडी एक साथ करेंगे। ये हम करते हैं एक्सरे के द्वारा, एन एक्सरे ऑफ द एब्डोमन और किडनी यूरेटर एंड ब्लेडर, जिसको हम KUB नाम से जानते हैं, किडनी यूरेटर एंड ब्लेडर का हम एक एक्सरे लेते हैं, मे बी परफॉर्म टू डेलिनिएट द साइज। इसके अंदर हम क्या परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, किडनी यूरेटर और ब्लेडर की जो है साइज, शेप एंड पोजिशन ऑफ द किडनी एंड टू रिवेल यूरिनरी सिस्टम एबनॉर्मलिटी। मतलब इसके अंदर जो है हम KUB एक्सरे लेते हैं किडनी यूरेटर एंड ब्लेडर की स्टडीज करने के लिए। इसमें जो हम किडनी की साइज, शेप एंड पोजीशन देखते हैं, साथ ही यूरिनरी ब्लेडर की और यूरेटर जो है हमारी, इन तीनों की जो हम चेक, मतलब किडनी, किडनी से निकलता है दो यूरेटर और नीचे एक ब्लेडर होता है, इन तीनों की जो हम स्टडी एक ही एक्सरे में करते हैं जिसको हम बोलते हैं KUB एक्सरे, और इससे हम यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज है इसका हम पता लगाते हैं। अगला जो हमारा डायग्नोसिस है वो है जनरल अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी दो तीन तरह के हम बात करेंगे, पहला हम यूज कर बात करते हैं जो जनरल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, एक होता है इन्वेसिव एक होता है नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव का अंदर जो है मतलब होता है हम जो है बॉडी की जो स्किन है उसको, मतलब हम
प्रोसीजर कोई नहीं कर रहा है, कोई इंसीजन नहीं लगा रहे, तो इसे हम बोलते हैं नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इंसीजन लगाते हैं मेनली। अल्ट्रासोनोग्राफी ये क्या है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर दैट यूज साउंड वेव, इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, साउंड वेव का, पास इनटू द बॉडी। ये जो साउंड वेव है जो पास करता है इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर थ्रू ए ट्रांसड्यूसर, एक ट्रांसड्यूसर के द्वारा। ट्रांसड्यूसर आप लोगों ने देखा होगा, अल्ट्रासाउंड जो मशीन होता है उसमें हम जो हम एक मतलब हाथ से पकड़ के डॉक्टर जो एब्डोमेन पर जो प्रेस करके ऐसे मतलब रोटेट करता है, जिसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ट्रांसड्यूसर के द्वारा जो है साउंड वेव्स को पास करते हैं और टू डिटेक्ट करते हैं, मतलब पता लगाते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ द इंटरनल टिश्यू एंड ऑर्गन। जो इंटरनल टिश्यूज है मतलब अंदर जो है किडनी के अंदर जो टिश्यूज है और जो ऑर्गन्स है बॉडी के, जो मतलब जैसे किडनी, यूरेटर और जो ब्लेडर्स हैं, इन सब का जो हम पता लगाते हैं ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, साउंड वेव्स को अंदर डाल करके, मतलब साउंड वेव्स को जो है इंसर्ट करके थ्रू द जनरल सोनोग्राफी के अंदर। जो अल्ट्रासोनोग्राफी है रिक्वायर करता है फुल ब्लेडर, ब्लेडर जो है ना फुली होनी चाहिए, फुली हुई का मतलब ब्लेडर के अंदर जो यूरिन होना चाहिए। देयर फॉर फ्लूड इनटेक इंक्रीज, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, फ्लूड जो इनटेक है उसको बढ़ाना पड़ता है बिफोर द प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर से पहले जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं उससे पहले पेशेंट को जो हमें पानी पिलाना पड़ता है जिससे कि जो है ब्लेडर जो फुल हो। अगला जो हमारा डायग्नोसिस है वो है ब्लेडर अल्ट्रासोनोग्राफी, वो था जनरल अल्ट्रासोनोग्राफी, ये है ब्लेडर अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लेडर का अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ये भी एक नॉन इन्वेसिव मेथड है फॉर द मेजरिंग द यूरिन वॉल्यूम इन द ब्लेडर। इसके अंदर जो है एक ही चीज का पता करते हैं कि यूरिन का जो वॉल्यूम है वो कितना है ब्लेडर के लिए, मतलब ब्लेडर के अंदर कितना यूरिन जो है हमारा अभी कलेक्ट हुआ है। द स्केन हेड इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट एब्डोमन एंड डायरेक्ट टुवार्ड द ब्लेडर, द स्केन का जो हेड है वो प्लेस्ड करते हैं ऑन द पेशेंट के एब्डोमन पर, मतलब जो ट्रांसड्यूसर जो हम हेल्प कर रहे हैं उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, पेशेंट के एब्डोमन पर, और डायरेक्ट करते हैं टुवार्ड द ब्लेडर, और इसको हम मतलब मूव करवाते हैं टुवार्ड द ब्लेडर की ओर। द डिवाइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द डिस्प्ले द यूरिन वॉल्यूम, ये डिवाइस जो होती है मतलब ये जो ब्लेडर अल्ट्रासोनोग्राफी है ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, मतलब पता लगा लेता है, मीजर कर लेता है और डिस्प्ले कर देता है यूरिन वॉल्यूम को, मतलब यूरिन के ब्लेडर के अंदर कितना यूरिन है इसको जो है कैलकुलेट कर लेता है और डिस्प्ले पर हमें दिखा देता है यूरिन के अंदर ब्लेडर के अंदर कितना यूरिन है। अगला जो हमारा डायग्नोसिस है वो है सीटी स्कैन और एमआरआई, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा। सीटी स्कैन एंड एमआरआई आर नॉन इन्वेसिव टेक्निक, ये दोनों भी जो है नॉन इन्वेसिव टेक्निक है दैट प्रोवाइड एक्सीलेंट क्रॉस सेक्शनल व्यूज, ये हमें प्रोवाइड करते हैं एक्सीलेंट मतलब बेस्ट क्रॉस सेक्शनल व्यूज, क्रॉस सेक्शनल जो है व्यूज हमें प्रोवाइड करते हैं ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द किडनीज एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और जो किडनीज है इनका जो स्ट्रक्चर है इसका जो है क्रॉस सेक्शनल जो है व्यू जो है हमें प्रोवाइड करवाता है सीटी स्कैन और एमआरआई। ओकेजनली एन ओरल इंट्रावीनस आईवी रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन यूज इन सिटी स्कैनिंग टू एनहेंस विजुअलाइजेशन, ओकेजनल मतलब कभी कभी जो है ओरल मतलब ओरली मुंह के द्वारा या फिर आईवी इंट्रावीनस के द्वारा हम रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट एजेंट, मतलब कॉन्ट्रास्ट एजेंट है रेडियो ओपेक, इसका हम यूज करते हैं सिटी स्कैन के अंदर टू विजुअलाइज एनहेंस टू एनहेंस द स्कैनिंग और विजुअलाइजेशन, मतलब जो हमें जहां भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहां जो रेडियो ओपेक जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट वो पास आउट नहीं होगा या फिर हमें कम दिखाई देती है, जिससे क्या होती है हमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसका हम पता लगा सकते हैं सीटी स्कैन में जो हम मेनली तो नहीं कभी कभी जो हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट एजेंट का भी। नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग एमआरआई, एमआरआई के दौरान नर्स की क्या क्या रोल होती है, बिफोर द पेशेंट एंटर द रूम, बिफोर द पेशेंट एंटर द रूम, पेशेंट जब एंटर करता है रूम में उससे जस्ट पहले, वेयर द एमआरआई इज टू बी परफॉर्म, जहां एमआरआई परफॉर्म किया जाता है उस रूम में जब पेशेंट एंटर करता है उससे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए ऑल मेटल ऑब्जेक्ट एंड क्रेडिट कार्ड, द मैग्नेटिक फील्ड कैन इरेज देम आर रिमूव, मतलब क्या करता है जब पेशेंट एमआरआई रूम में एंटर करता है उससे पहले हमें पेशेंट के पास कोई मेटल ऑब्जेक्ट तो नहीं है ये चेक कर लेना चाहिए और क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, यदि क्रेडिट कार्ड या मेटल ऑब्जेक्ट है तो हमें इसे रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि ये सब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इरेज कर देगी क्रेडिट कार्ड को और मेटल ऑब्जेक्ट से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगी। दिस इंक्लूड मेडिकेशन पैचेज, इसके अंदर जो हमें रिमूव करने के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कुछ मेडिकेशन पैचेज है जैसे निकोटीन है, नाइट्रोग्लिसिन है, डेट हैव ए मेटल बैंकिंग विच कैन कॉज बर्न्स,
ये क्या होती है, मेटल बैंकिंग होती बैकिंग होती है विच कैन कॉज बर्न्स, जो क्या होती है बर्न को कॉज करती है, मतलब आग लगा देगी पेशेंट के अंदर इफ दे आर नॉट रिमूव, यदि इन सबको रिमूव नहीं किया गया, यदि मेडिकेशन पैच है या कोई मेडल ऑब्जेक्ट है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड है, इन सबको हमें पेशेंट से रिमूव कर देना चाहिए ड्यूरिंग द एंटर रूम। नो मेटल ऑब्जेक्ट, कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन टैंक नहीं होना चाहिए, वेंटिलेटर नहीं होना चाहिए, स्टेथोस्कोप नहीं होना चाहिए, मे बी ब्रॉट इन टू द एमआरआई रूम, इन सबको जो है एमआरआई रूम से पहले ही हमें रख लेना चाहिए। अब जैसे वेंटिलेटर की जगह हम वेंट, जो वेंट सर्किट होता है उसका हम यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का हम अंदर यूज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन टैंक्स के लिए जो हम ऑक्सीजन लाइन लगा के रहते हैं उससे जो है ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर होता है उसके द्वारा जो हम ऑक्सीजन मास्क जो है उसके हम कनेक्ट करके रखते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग एमआरआई। द मैग्नेटिक फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट एनी मेटल कंटेनिंग आइटम्स विल बी पुल्ड टुवार्ड्स द मैग्नेट कॉज सीवियर इंजरी एंड पॉसिबल डेथ। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, पावरफुल टू द मेटल कंटेनिंग आइटम्स, मेटल कंटेनिंग कोई आइटम्स हो तो इसके लिए पुल भी पुल्ड करती है टुवार्ड्स द मैग्नेट, वो जो है अपनी ओर खींचती है मैग्नेट की ओर, कॉजिंग सीवियर इंजरी एंड पॉसिबल डेथ, ये क्या करता है सीवियर इंजरी और जो है डेथ तक कॉज कर सकती है। जो मेटल का जो ऑब्जेक्ट होती है वो क्या करती है, जो हमारे मशीन है वो अपनी ओर मेटल के ऑब्जेक्ट को खींचती है और खींचने के कारण क्या होता है सीवियर इंजरी हो सकता है, यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ए पेशेंट हिस्ट्री ऑब्टेन टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल ऑब्जेक्ट, पेशेंट से हमें क्या करना है हिस्ट्री कलेक्ट करनी है चेक करने के लिए कि प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जैसे किसी को एन्यूरिज्म हुआ हो, एन्यूरिज्म क्लिप्स लगाओ, ऑर्थोपेडिक हार्डवेयर लगाओ जैसे ऑर्थोपेडिक प्लेट लगाओ या कुछ ऐसा लगाओ, हार्ट के अंदर पेसमेकर तो नहीं है, आर्टिफिशियल जो है हार्ट का वाल्व तो नहीं है, जो हार्ट का वाल्व है वो आर्टिफिशियल तो नहीं लगाया हुआ है, या इंट्रा यूटेराइन कोई डिवाइस तो नहीं लगे हुए है, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कोई इंट्रा यूटेराइन डिवाइस तो नहीं लगाई हुई है, ये सभी जो हम चेक करते हैं पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेकर। ए सीडेटिव एजेंट मे बी प्रिस्क्राइब, पेशेंट के अंदर क्या करते हैं हम सीडेटिव एजेंट जो है प्रिस्क्राइब कर देते हैं बिकॉज प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्लोस्ट्रोफोबिया से, क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होती है, क्लोस्ट्रोफोबिया इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर, ये क्या एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसको हम सेकेंडरी में पढ़ते हैं, डेट कॉज एन इंटेंस फियर ऑफ एनक्लोज स्पेस, किसी बंद स्पेस से जो डर लगता है इसको हम क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं, इस प्रॉब्लम से जो है हम पेशेंट को बचाने के लिए सिडेटिव एजेंट जो है हम प्रिस्क्राइब करते हैं। एमआरआई ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का एमआरआई, द पेशेंट नीड टू इन्फॉर्म टू अवॉइड एल्कोहल, यदि हम यूरिनरी ट्रैक का एमआरआई कर रहे हैं तो हमें पेशेंट से कहना चाहिए कि वो अवॉइड करे एल्कोहल को, कैफीन कंटेनिंग बिहेवियर जैसे चाय कॉफी इनको, स्मोकिंग फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 आवर्स तक पहले, फूड फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और जो खाना है वो 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए प्रायर टू द स्कैन, स्कैन से पहले, क्योंकि जो एल्कोहल है या जो कैफीन कंटेनिंग जो फूड्स हैं या फिर जो बिहेवरेज हैं ये क्या करते हैं डायूरेटिक्स का काम करते हैं, इस वजह से जो है हमें पेशेंट को 2 घंटे पहले इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए कहना चाहिए और खाने 1 घंटे पहले हमें पेशेंट को नहीं खाने देना चाहिए, मतलब 1 घंटे पहले ही हमें पेशेंट को खिलाना चाहिए, यदि कुछ खिलाना है पानी पिलाना है तो 1 घंटे डूइंग एमआरआई से जस्ट 1 घंटे पहले तक हमें पेशेंट को एनपीओ पे रखना होता है। अब हम बात करते हैं आगे, नवा जो हमारा डायग्नोसिस है न्यूक्लियर स्कैन, न्यूक्लियर स्कैन के बारे में, न्यूक्लियर स्कैन रिक्वायर इंजेक्शन ऑफ ए रेडियो रेडियोटोप, रेडियोटोप जो है इंजेक्शन कौन कौन सा है, ए टिटेनियम 99 एम लेवल कॉम्पाउंड होता है, इसके बाद दूसरा है आयोडीन 123 जिसको हम हिपोयूरेट भी बोलते हैं, इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है इंजेक्ट करते हैं रेडियोटोप। ए सिग्निटलेशन कैमरा इज प्लेस्ड बिहाइंड द किडनी, किडनी के पीछे जो है हम जो सिग्निटलेशन कैमरा है जिसको हम प्लेस करते हैं पेशेंट, और पेशेंट को हम सुपाइन पोजिशन में रखते हैं, प्रोन पोजीशन में रखते हैं और सीटेड पोजीशन में, सुपाइन का मतलब सीधे सुला देते हैं, प्रोन का मतलब पेशेंट को उल्टा लिटा देंगे और सीटेड पोजीशन का मतलब चेयर पे हम पेशेंट को बैठा देंगे, इन तीनों पोजीशन में हम पेशेंट को रखते हैं। द टिटेनियम स्कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी परफ्यूजन, किडनी का क्या परफ्यूजन हो रहा है इसके बारे में हमें टिटेनियम स्कैन प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन, किडनी परफ्यूजन का मतलब ये है
जो किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कितना हो रहा है, और इसके बाद जो किडनी की जो सेल्स है वो परफ्यूज हो रही है, यानी परफ्यूज का मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई उसको मिल रहा है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सटेंड मतलब जो चेंजेज हो रहा है, यानी किडनी के सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, ये सब हम चेक करते हैं। द आयोडीन 1-2-3 हिपोचूरेट रीनल स्कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी फंक्शन सच एज GFR। ये भी जो आयोडीन हिपोक्रेट जो रीनल स्कैन है ये हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी फंक्शन का, वहीं जो टिटेनियम स्कैन है वो हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी परफ्यूजन का। जो आयोडीन 1-2-3 है ये हमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के बारे में भी बताता है मेनली। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्कैन आर यूज टू इवेल्युएट एक्यूट एंड क्रोनिक किडनी इंजरी। हमें ये पता लगाने में हेल्प करता है जो न्यूक्लियर स्कैन है कि किडनी इंजरी एक्यूट है या फिर क्रोनिक है, रीनल मासेज तो नहीं है, या फिर ब्लड फ्लो बिफोर एंड आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन से पहले या किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद ब्लड फ्लो कैसा है, रीनल मासेज रीनल की जो टिश्यूज है वो कैसे हैं, एक्यूट और क्रोनिक किडनी इंजरी तो नहीं है, ये सब हमें बताता है न्यूक्लियर स्कैन। अगला है इंट्रावीनस यूरोग्राफी, जो इसको हम बोलते हैं आईवी यूरोग्राफी भी। जो आईवी यूरोग्राफी इंक्लूड वेरियस टेस्ट, इसके अंदर जो है बहुत सारे टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं, जैसे एक्सक्रेटरी यूरोग्राफी, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी IVP बोलते हैं, एंड इंफ्यूजन ड्रिप पाइलोग्राफी, इन तीनों को जो है मिला करके हम चेक करते हैं आईवी यूरोग्राफी। ए रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज गिवन आईवी, जो रेडियो ओपेक मेनली हम आयोडीन यूज करते हैं वो हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को आईवी। एंड IVP जो इंट्रावीनस पाइलोग्राफी है सो द किडनी यूरेटर एंड ब्लेडर, ये जो IVP है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी ये शो करता है मतलब दिखाता है हमें किडनी यूरेटर एंड ब्लेडर को वियर एक्सरे इमेजिंग के थ्रू एज द डाई मूव थ्रू द अपर एंड देन द लोअर यूरिनरी सिस्टम। जो डाई हमने डाला है एडमिनिस्टर किया, जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट को हम डाई भी बोलते हैं, जो डाई हमने एडमिनिस्टर किया है पेशेंट के अंदर आईवी, वो हमें किस तरह से अपर यूटी मतलब अपर यूरिनरी ट्रैक्ट से लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आ रहा है ये हमें दिखाता है जो है इंट्रावीनस यूरोग्राफी। ए नेफ्रोटोमोग्राम मे बी कैरीड आउट एज पार्ट ऑफ स्टडी टू विजुअलाइज डिफरेंट लेयर्स ऑफ द किडनी। जो नेफ्रोटोमोग्राम है, नेफ्रो जो टोमोग्राम है ये हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ जो किडनीज है इनके बारे में इंफॉर्मेशन। इन्फ्यूजन ड्रिप पाइलोरोग्राफी रिक्वायर्स आईवी इफ्यूजन ऑफ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट एजेंट टू ओपेसिफाई द रीनल पैरेन्काइमा एंड फिल्स द यूरिनरी ट्रैक्ट। ये क्या करता है, ओपेसिफाई कर देता है रीनल पैरेन्काइमा, जो रीनल टिश्यूज होती है इनको ओपेसिफाई करता है और जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है भर जाता है, और हमें जो है आईवी जो है इंट्रावीनस यूरोग्राफी में हेल्प करता है, या फिर इंट्रावीनस यूरोग्राफी के द्वारा जो है हम जो डाइल्यूट कर देते हैं लार्ज वॉल्यूम के अंदर जो है कॉन्ट्रास्ट एजेंट को रीनल पैरेन्काइमा के अंदर, और फिल्स कर देते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। द पेशेंट प्रिपरेशन इज द सेम फॉर द एक्सक्रेटरी यूरोग्राफी एक्सेप्ट। एक्सक्रेटरी जो यूरोग्राफी की तरह जो हम पेशेंट को भी तैयार करते हैं इसमें इंट्रावेशन यूरोग्राफी के अंदर, एक्सेप्ट होता है इसके अंदर एक कि फ्लूड आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड। इसके अंदर क्या होता है, फ्लूड आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, ये क्या है, इसका एक अपवाद है इंट्रावीनस यूरोग्राफी का। अगला हम बात करते हैं रिट्रोग्रेड पाइलोरोग्राफी। अब एक एक की बात करते हैं। रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी इज यूजुअली परफॉर्म इफ आईवी यूरोग्राफी जो हमने अभी जस्ट पहले बात किया है प्रोवाइड इनएडिक्वेट विजुअलाइजेशन। यदि हमें प्रॉपर विजुअलाइजेशन आईवी यूरोग्राफी नहीं करवाता है तो हम रिट्रोग्रेड पाइलोरोग्राफी करते हैं, जो कि हमें कलेक्टिंग सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हम अगला बात करते हैं सिस्टोग्राफी। सिस्टोग्राफी एक्ट्स इन इवेलुएटिंग वेसिकुलो रेट्रल रिफ्लेक्सेज, मतलब बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लेडर इनटू द वन और बोथ यूरेटर्स। मतलब ब्लेडर से जो है यूरिन का आउट फ्लो कहीं दोनों यूरेटर तक तो नहीं जा रहा और किडनी तक तो नहीं पहुंच रहा है, ये हम असेस करते हैं फॉर ब्लेडर इंजरी के केस में साइटोग्राफी। अब हम अगला बात करते हैं वॉइडिंग साइटोयूरिथ्रोग्राफी। वॉइडिंग साइटोयूरिथ्रोग्राफी का मतलब क्या होता है, वॉइडिंग का मतलब क्या होता है, अपने इच्छा से टॉयलेट पास आउट करना, मतलब टॉयलेट पास आउट करने की जो इच्छा या फिर जो मन करता है, जो पता करता है, जो सेंसेशन आता है, मेनली हम सेंसेशन वर्ड अच्छा यूज करेंगे यहाँ वॉइडिंग के लिए।
वॉइडिंग साइटोयूरोग्राफी यूज फ्लूरोस्कोपी टू विजुअल, फ्लूरोस्कोपी जो हमें विजुअल अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, टू विजुअलाइज द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड असेस यूरिन स्टोरेज इन द ब्लेडर। जो वॉइडिंग साइटोयूरोग्राफी है इसमें हम यूज करते हैं फ्लूरोस्कोपी का। फ्लूरोस्कोपी हमें क्या करता है, विजुअलाइज करता है, दिखाता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड असेस करवाता है यूरिन स्टोरेज इन द ब्लेडर, कि कितना यूरिन जो है स्टोरेज है ब्लेडर के अंदर, ये हमें असेस करवाता है साइटो यूरिथ्रोग्राफी के अंदर हम देखते हैं। अगला हमारा डायग्नोसिस है रीनल एंजियोग्राफी। रीनल एंजियोग्राफी क्या है, ए रीनल एंजियोग्राम और रीनल आर्ट्रियोग्राम प्रोवाइड्स एन इमेज ऑफ द रीनल आर्टरीज। रीनल एंजियोग्राम या फिर जो रीनल आर्ट्रियोग्राम है हमें प्रोवाइड करता है एक इमेज फॉर ऑफ द रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज का मतलब रीनल की जो किडनी है उसको जो ब्लड सप्लाई करता है उन आर्टरीज का जो है हमें एक आर्ट्रियोग्राम का मतलब होता है आर्टरी का फोटो वो हमें प्रोवाइड करता है। एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज इंजेक्टेड टू ओसीफाई द रीनल आर्ट्रियल सप्लाई। एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो है हम इंजेक्ट करते हैं ओसीफाई द रीनल आर्ट्रियल सप्लाई, जो क्या करता है जो रीनल का जो आर्ट्रियल सप्लाई उसके अंदर जाके भर जाता है, ओसीफाई हो जाता है। एंजियोग्राफी इज यूज टू इवेलुएट रीनल ब्लड फ्लो। एंजियोग्राफी क्या करता है, यूज करते हैं हम इवेलुएट करने के लिए कि रीनल का जो है ब्लड फ्लो कैसा है। इन सस्पेक्टेड रीनल ट्रोमा, यदि हमें सस्पेक्ट हो केस मतलब जैसे लग रहा हो कि ऐसा हो सकता है कि मे बी पॉसिबल रीनल ट्रोमा, टू डिफ्रेंशिएट रीनल सिस्ट और फ्रॉम ट्यूमर्स, मतलब रीनल सिस्ट और रीनल ट्यूमर्स है इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए रीनल एंजियोग्राफी करते हैं। एंड इवेलुएट हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन, इन मतलब तीन चार जो केसेज है जो हमें सस्पेक्टेड होते हैं इनमें हम यूज करते हैं एंजियोग्राफी का, तो इवेलुएट करते हैं रीनल ब्लड फ्लो को। इट इज यूज प्री ऑपरेटिवली फॉर रीनल ट्रांसप्लांटेशन। इसका जो हम रीनल एंजियोग्राफी का जो है प्री ऑपरेटिवली मतलब रीनल ट्रांसप्लांट से जो है हम पहले पता करते हैं रीनल एंजियोग्राफी के द्वारा कि रीनल मतलब किडनी का जो ब्लड सप्लाई है वो कैसा है, प्रॉपर है या नहीं। नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग रीनल एंजियोग्राफी, मेनली हम यूज करते हैं रीनल एंजियोग्राफी की, बड़ा प्रोसीजर है और एट दिस टाइम मतलब इस समय जो है ये बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर भी है। बिफोर द प्रोसीजर, जो हमारा रीनल एंजियोग्राफी है इससे पहले ए लैजिटिव मे बी प्रिस्क्राइब टू इवैक्यूएट द कोलोन। इवैक्यूएट करते हैं हम कोलोन को सो डैट अनऑब्स्ट्रक्टेड एक्सरे कैन बी ऑब्टेन, जिससे क्या होगा अनऑब्स्ट्रक्टेड जो है हमें एक्सरे ऑब्टेन के लिए, मतलब लैजेक्टिव्स क्या होती है इसके द्वारा हम क्या करते हैं जो कोलोन है इसको इवैक्यूएट करते हैं, मतलब कोलोन को खाली करते हैं, मोशन पास आउट करवाते हैं लैजेक्टिव्स के द्वारा, और ये क्या करता है हमें जो कोलोन अनऑब्स्ट्रक्टेड कर देता है, मतलब कोलोन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहने देता और जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड जो है हमें एक्सरे प्रोवाइड करता है। इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन साइट क्या क्या हो सकते हैं, इंजेक्शन साइट को हमें ग्रोइन फॉर फीमोरल अप्रोच और एक्जिला फॉर एक्जिलरी अप्रोच, जो हमें दो अप्रोच से हम जो है डाई को एडमिनिस्टर करेंगे, पहला डाई बोल रहा हूँ सॉरी, जो एंजियोग्राफी हम करेंगे दो साइट से, ग्रोइन और फीमोरल अप्रोच से करेंगे और एक्जिला फॉर एक्जिलरी अप्रोच से करेंगे, मे बी सेप्ट, हमें क्या करना है उन दोनों को क्लीन करना है जिस भी अप्रोच से हम इंजेक्शन एडमिनिस्टर करें मतलब इंजेक्शन लगाने वाले हैं, या जो इंजेक्शन साइट है हम दोनों को हम सेव करेंगे, क्लीन करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। इफ द एक्जिलरी आर्टरी वाज द इंजेक्शन साइट, यदि हमारा इंजेक्शन साइट जो है एक्जिलरी आर्टरी हो तो ब्लड प्रेशर मीजरमेंट आर टेकन ऑन द अपोजिट आर्म, जो हम ब्लड प्रेशर जो हम मॉनिटर करेंगे वो हम अपोजिट आर्म से करेंगे। जैसे यदि इस हाथ से हम एंजियोग्राफी कर रहे हैं एक्जिलरी आर्टरी से हम यूज कर रहे हैं तो हम दूसरे हाथ से जो है हम मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर को। द इंजेक्शन साइट एग्जामिन फॉर स्वेलिंग एंड हीमेटोमा, जो हम इंजेक्शन लगाए हैं उस साइट को जो है हमें चेक करना है फॉर स्वेलिंग एंड हीमेटोमा, स्वेलिंग तो नहीं आ रहा, सूजन तो नहीं आ रहा, एडिमा तो नहीं हो रहा और कोई हीमेटोमा कोई ब्लड का क्लॉट तो नहीं बन गया है। कोल्ड कंप्रेस मे बी अप्लाई टू द इंजेक्शन साइट टू डिक्रीज एडिमा एंड पेन। कोल्ड कंप्रेस मतलब जो हमें बर्फ से सेक करना है टू द इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन साइट पर, क्योंकि तो डिक्रीज द एडिमा एंड पेन, जो एडिमा को कम करे और दर्द में हमें राहत दिलाए। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जैसे हीमेटोमा फॉर्मेशन, हीमेटोमा अगर नहीं बन जाना मतलब एक ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन तो नहीं हो जाएगा, आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस और डिसक्शन तो नहीं हो जाएगा, मतलब आर्टरी के अंदर जो है थ्रोम्बोसिस तो नहीं बन जाएगा,
ब्लड का क्लॉट तो नहीं बन जाएगा और वो डिसेक्शन मतलब हट तो नहीं जाएगा, मतलब क्लॉट बन के वहां से टूट तो नहीं जाएगा। इसके बाद से फॉल्स एन्यूरिज्म फॉर्मेशन, एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन फॉल्स, फॉल्स का मतलब एन्यूरिज्म का होता है ब्लड वेसल्स का बाहर की ओर लटक जाना या फिर ढीलना, ये जो है फॉल्स एन्यूरिज्म फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। और अल्टर्ड रीनल फंक्शन, और इसके जो कॉम्प्लिकेशन में रीनल फंक्शन जो है किडनी का जो फंक्शन है ये भी अल्टर्ड हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगला डायग्नोसिस का, MAG3 रीनोग्राम। दिस स्कैन इज यूज फर्दर इवेलुएट द किडनी फंक्शन टू इन सम सेंटर बाय परमिटिंग विजुअलाइजेशन ऑफ रीनल क्लियरिंग। कुछ सेंटर पर ये बहुत कम यूज आता है MAG3 रीनोग्राम, कुछ सेंटर पर जो है हमें फर्दर जो इवेलुएट करते हैं हम किडनी फंक्शन को बाय MAG3 रीनोग्राम के थ्रू। द पेशेंट इज गिवन एन इंजेक्शन कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक इंजेक्शन कंटेनिंग जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो एडमिनिस्टर करते हैं, जो शो करता है हाउ द किडनी आर फंक्शनिंग, कि किडनी किस तरह से फंक्शन कर रहा है ये हमें शो करता है। द पेशेंट नीड टू लाई स्टिल फॉर अबाउट 35 मिनट्स वाइल स्पेशल कैमराज टेक इमेज। पेशेंट का क्या नीड, पेशेंट के लिए हमें जरूरी है कि पेशेंट को 35 मिनट्स तक जो है स्टिल रखना है, मतलब हिलने के लिए मना करना है, एक प्रॉपर जो है पोजीशन में हमें लिटा के रखना है स्पेशल कैमराज टेक इमेज। और इसके अंदर क्या करता है, जो स्पेशल कैमरा है वो टेक करता है मतलब लेता है इमेज को किडनी किस तरह से फंक्शन करता है इसको वो शो करता है। अगला जो हमारा डायग्नोसिस है वो है यूरोलॉजिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, मतलब यूरोलॉजिक जो है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, एंडोस्कोपिक अलग अलग जगह की होती है, यहां हम बात करने वाले हैं यूरोलॉजिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर की। जो एंडो यूरोलॉजी और यूरोलॉजिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है कैन बी परफॉर्म इन वन ऑफ द टू वेज, एक या दो तरीके से जो हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, यूजिंग ए साइटोस्कोप, यूजिंग ए सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप जो है इंसर्ट इन टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू जो है हम सिस्टोस्कोप को इंसर्ट करते हैं, और परक्यूटेशनली मतलब परक्यूटेशनली भी कर सकते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू भी जो हम इंसर्ट करते हैं थ्रू ए स्मॉल इंसिजन। ये क्या है, इंसिजन के थ्रू जो है जो हमारा सिस्टोस्कोप है इसको जो है हम एडमिनिस्टर करते हैं या इंसर्ट करते हैं थ्रू द यूरेथ्रा या फिर परक्यूटेशनली। सिस्टोस्कोप एग्जामिनेशन यूज्ड टू डायरेक्टली विजुअलाइज द यूरेथ्रा एंड ब्लेडर। जो सिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो है हम डायरेक्टली विजुअलाइज, डायरेक्टली हम देख सकते हैं यूरिथ्रा को एंड ब्लेडर, और ब्लेडर को। द सिस्टोस्कोप यूज इंसर्ट थ्रू द यूरिथ्रा इनटू द ब्लेडर, जो सिस्टोस्कोप है इसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के द्वारा इनटू द ब्लेडर, ब्लेडर के अंदर हैज एन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम, और इसके अंदर क्या होता है ऑप्टिकल जो है देखने वाला जो लेंस सिस्टम होता है, एंड प्रोवाइड ए मैग्नीफील्ड इल्यूमिनेटेड व्यूज ऑफ द ब्लेडर। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड और इल्यूमिनेटेड जो व्यूज है ऑफ द ब्लेडर को ये हमें प्रोवाइड करता है। द सिस्टोस्कोप इज मैनिपुलेटेड, जो सिस्टोस्कोप है ये मैनिपुलेट करता है टू अलाउ कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ द यूरिथ्रा एंड ब्लेडर एज वेल एज यूरिथ्रल ओरिफिस एंड प्रोस्टेट यूरिथ्रा, कहीं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा और जो यूरिथ्रल ओरिफिस है इन दोनों का क्लियर जो हमें विजुअलाइजेशन करवाता है, यूरिथ्रा और ब्लेडर का भी ये जो है कंप्लीट क्लियर विजुअलाइजेशन करवाता है सिस्टोस्कोप। स्मॉल यूरिथ्रल कैथेटर कैन पास थ्रू द सिस्टोस्कोप फॉर असेसमेंट फॉर द यूरेटर्स एंड पेल्विस ऑफ ईच किडनी। किडनी का जो पेल्विस है और यूरेटर है इसके एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल जो है यूरिथ्रल कैथेटर का यूज करते हैं, कैथेटर मतलब प्लास्टिक का पाइप होता है, इसको हम यूज करते हैं यूरोलॉजिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में। द सिस्टोस्कोप आल्सो अलाउ द यूरोलॉजिस्ट टू ऑब्टेन ए यूरिन स्पेसिमेन फॉर ईच किडनी टू इवेलुएट इट्स फंक्शन। स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल हमें कलेक्ट कर सकते हैं यूरिन का थ्रू सिस्टोस्कोप, सिस्टोस्कोप के द्वारा फ्रॉम ईच किडनी टू इवेलुएट इट्स फंक्शन। दोनों किडनी के द्वारा अलग अलग भी हम कर सकते हैं, जो यूरिन का सैंपल ले सकते हैं और दोनों किडनी का अलग अलग हम फंक्शन भी इसके अंदर पता कर सकते हैं। कप फोरसेप स्कैन इज इंसर्टेड थ्रू द सिस्टोस्कोप फॉर बायोप्सी। कप जो फोरसेप होता है ये हमें जो बायोप्सी के सैंपल लेने में हेल्प करता है, इसको भी जो हम इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू द सिस्टोस्कोप, सिस्टोस्कोप के द्वारा। कैलकुलाई में बी रिमूव्ड फ्रॉम द यूरिथ्रा। कैलकुलाई का मतलब होता है जो पथरी हो जाता है किडनी के अंदर, मेनली हम बोलते हैं तो कैलकुलाई का मतलब होता है स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना,
तो कैलकुलाई को भी हम रिमूव कर सकते हैं, जो स्टोन है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द यूरिथ्रा ब्लेडर यूरेटर की यूरेटर में से यूजिंग सिस्टोस्कोप, मतलब सिस्टोस्कोपी के द्वारा जो है यूरेटर ब्लेडर और यूरिथ्रा के पास जो कैलकुलाई है उसको भी जो हम रिमूव कर सकते हैं, जो स्टोन का फॉर्मेशन हो गया है पथरी हो गया उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय सिस्टोस्कोपी के द्वारा। इफ ए लोअर ट्रैक्ट सिस्टोस्कोपी इज परफॉर्म द पेशेंट इज यूजुअली कॉन्सियस, यदि हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का यदि हम सिस्टोस्कोपी करते हैं तो पेशेंट जो है हमारा कॉन्सियस होता है। टू मिनिमाइज प्रोस्टेट यूरिथ्रल डिस्कम्फर्ट विस्कस आयोडीकेन मतलब लिडोकेन इज गिवन सेवरल मिनट्स बिफोर द स्टडी, मतलब क्या करते हैं जो प्रोस्टेट यूरिथ्रल यदि डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट के अंदर तो हम क्या करते हैं लिडोकेन या जाइलोकेन जो होता है हम उसे एडमिनिस्टर करते हैं टू द सेवरल मिनट्स मतलब कुछ मिनट के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रल डिस्कम्फर्ट है वो कम होता है, लिडोकेन जेली के रूप में भी हम यूज करते हैं। इफ द सिस्टोस्कोपी इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ द अपर ट्रैक ए सिडेटिव एजेंट में बी गिवन बिफोर द प्रोसीजर, यदि हम सिस्टोस्कोपी अपर यूरिनरी ट्रैक का करना चाहते हैं तो हमें पहले सिडेटिव एजेंट पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करना पड़ता है। जनरल एनेस्थीसिया इज यूजुअली गिवन टू इंश्योर दैट देयर आर नो इनवॉलेंट्री मसल्स स्पाज्म व्हेन द स्कोप इज बीइंग पास्ड थ्रू द यूरेटर और किडनीज, जनरल एनेस्थीसिया हम यूजुअली देते हैं टू इंश्योर करने के लिए मतलब इंश्योर करने के लिए देते हैं दैट देयर आर नो इनवॉलेंट्री मसल्स कि कोई मसल स्पाज्म तो नहीं हो रहा है व्हेन द स्कोप इज बीइंग पास्ड थ्रू द यूरेटर और किडनी, जब हमारा स्कोप जो सिस्टोस्कोप है ये यूरेटर और किडनी के में जो पास आउट करेंगे उस समय मसल स्पाज्म तो नहीं होगा, इसके लिए हम जनरल एनेस्थीसिक के द्वारा हम एंश्योर करते हैं अपने आप को। अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग यूरोलॉजिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, जो यूरोलॉजिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है इसके अंदर नर्सिंग क्या क्या रोल्स है। इफ एन अपर साइटोस्कोपी इज टू बी परफॉर्म द पेशेंट इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू नथिंग बाय माउथ एनपीओ फॉर सेवरल आवर्स बिफोर एंड, मतलब क्या होता है यदि पेशेंट का हम अपर सिस्टोस्कोपी मतलब अपर यूरिनरी ट्रैक का यदि हम सिस्टोस्कोपी कर रहे हैं परफॉर्म तो पेशेंट को जो है हमें रेस्ट्रिक्ट करना है मतलब पेशेंट को हमें मना करना है या नहीं देना है पेशेंट को कुछ भी फूड या वाटर, मतलब एनपीओ पे रखना है या एनवीएम पे रखना है हमें पेशेंट को सेवरल आवर्स कुछ घंटों तक बिफोर प्रोसीजर। मोस्ट हीट टू द लोअर एब्डोमन एंड वार्म सिट्स बाथ आर हेल्पफुल इन रिलीविंग पेन एंड रिलीजिंग द रिलैक्सिंग द मसल्स, रिलीविंग पेन मतलब पेन को तो कम करेगा और मसल्स को रिलैक्स करेगा यदि हम वार्म सीज बार देंगे या फिर मोइस्ट हीट देंगे टू द लोअर एब्डोमन एब्डोमन के निचले पार्ट्स में एब्डोमन के निचले हिस्से में। तो द नर्स केयरफुली मॉनिटर द पेशेंट विद प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया फॉर यूरिन रिटेंशन, नर्स जो है केयरफुली मॉनिटर करता है पेशेंट को कहीं प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया तो नहीं हुआ, हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है सेल का काउंट बढ़ जाना मतलब सेल्स का नंबर में बढ़ जाना, दैट इज नोन एज हाइपरप्लेसिया, कहीं प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया तो नहीं हो गया है फॉर यूरिन रिटेंशन जो कि यूरिन रिटेंशन कॉज करे। वार्म सिच बाथ एंड एंटी स्पाज्मेटिक मेडिकेशन सच एज फ्लैक्सुएट मतलब यूरेपियस यूरिस्पास के नाम से आता है मे बी प्रिस्क्राइब टू रिलीव टेम्पररी यूरिन रिटेंशन, ये क्या करता है जो एंटी स्पाज्मेटिक मेडिसिन है ये रिलीव करता है टेम्पररी यूरिन रिटेंशन को caused by poor relaxation of the urinary sphincter, जो urinary sphincter है इसके जो poor relaxation है इसको ये कम करता है by the relieving of anti-spasmodic medication. Intermittent catheterization करते हैं may be necessary for few hours after the examination. Examination जो endoscopic हम procedure करते हैं urologic इसके बाद जो है पेशेंट का इंटरमीडिएट कैथेटराइजर करना नेसेसरी है मतलब अनिवार्य है, ऐसा हमें करना ही पड़ता है फ्यू आवर्स के लिए। द नर्स मॉनिटर द पेशेंट फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, नर्स क्या करती है मॉनिटर करती है कि पेशेंट के अंदर कोई साइन या कोई सिम्टम्स तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो क्या करे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की लक्षण हो। बिकॉज एडिमा ऑफ द यूरिथ्रा सेकेंडरी टू लोकल ट्रोमा में बी ऑब्स्ट्रैक्ट यूरिन फ्लो द पेशेंट इज ऑल्सो मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कोई लोकल ट्रोमा तो नहीं हो गया है कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गया यूरिन फ्लो के अंदर ये भी हमें मॉनिटर करना है इसके जो क्या क्या साइंस और जो सिम्टम्स आते हैं
ऑब्स्ट्रक्शन के, ये भी हमें मॉनिटर करना है कि एडिमा तो नहीं हो गया है, जो हम यूरोलॉजिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करें इसके द्वारा। ये क्या है, कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन है। अब हम अगला जो डायग्नोसिस है वो हम बात करेंगे किडनी बायोप्सी की। किडनी बायोप्सी इज यूज टू हेल्प डायग्नोस एंड इवेलुएट द एक्सटेंट ऑफ किडनी डिजीज। किडनी डिजीज जब बढ़ती चली जाती है तब हमें डायग्नोस करते हैं और इवेलुएट पता लगाते हैं किडनी बायोप्सी के द्वारा। इंडिकेशंस ऑफ किडनी बायोप्सी इंक्लूड, किस किस में जो हम बायोप्सी करते हैं इंक्लूड है, इसमें शामिल किया गया है अनएक्सप्लेन्ड एक्यूट किडनी इंजरी, परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया और हिमेचूरिया, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन और ग्लोमेरुलोपैथीज। ये चार पांच कंडीशन है इसके अंदर जो हम किडनी बायोप्सी करते हैं। पहला कौन सा है, अनएक्सप्लेन्ड एक्यूट किडनी इंजरी, पता नहीं हो और एक्यूट किडनी इंजरी हो जाए तो। इसके बाद से परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया, मतलब लगातार जो है प्रोटीन यूरिया देखने को मिले, या फिर हिमेचूरिया देखने को मिले। प्रोटीन यूरिया क्या होती है, यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन का लॉस होना, और यूरिन के अंदर जो है ब्लड का लॉस होना हिमेचूरिया कहलाता है। इसके बाद से ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया है यदि वो रिजेक्शन हो रहा है या रिजेक्शन हो गया है तो भी हम किडनी बायोप्सी करते हैं। इसके बाद से ग्लोमेरुलोपैथीज, मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर कोई पैथोजेनेसिस तो नहीं हो गया है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, इसके लिए भी हम किडनी बायोप्सी लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ए स्मॉल सेक्शन ऑफ रीनल कॉर्टेक्स इज ऑब्टेन आइदर परक्यूटेशनली, मतलब परक्यूटेशनली को हम नीडल बायोप्सी कहते हैं, नीडल बायोप्सी के द्वारा हम परक्यूटेशनली करते हैं, और बाय एन ओपन बायोप्सी थ्रू ए स्मॉल फ्लैंक इंसिजन। स्मॉल फ्लैंक इंसिजन कहाँ हम लगाते हैं, जो हमारा पीछे का हिस्सा है यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लैंक इंसिजन लगाते हैं, फ्लैंक एरिया में एक इंसिजन लगाते हैं, इसके द्वारा हम ओपन बायोप्सी लेते हैं, और परक्यूटेशनली यदि हमें लेना हो तो हम जो है नीडल बायोप्सी का यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रीनल कॉर्टेक्स है इसके जो कुछ टिश्यूज है इसको हम ऑब्टेन करते हैं, मतलब निकालते हैं, या फिर जो हम स्पेसिमेन के रूप में यूज करते हैं। बिफोर द बायोप्सी इज कैरिड आउट कोगुलेशन स्टडीज आर कंडक्ट टू आइडेंटिफाई एनी रिस्क ऑफ पोस्ट बायोप्सी ब्लीडिंग। जो हमारा बायोप्सी हम करने वाले हैं उससे पहले जो हम कोएगुलेशन स्टडीज करते हैं, कोएगुलेशन का मतलब होता है कि हम ब्लड ब्लीडिंग टाइम क्या है, क्लोटिंग टाइम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, इन टाइमों का हम पता लगाते हैं टू आइडेंटिफाई करते हैं द रिस्क ऑफ पोस्ट बायोप्सी ब्लीडिंग। क्योंकि बायोप्सी लेंगे तो हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, तो कहीं हमें ब्लीडिंग ज्यादा तो नहीं देखने को मिलेगा, इसके स्टडीज करते हैं हम कोएगुलेशन स्टडीज में, बिफोर करते हैं हम बायोप्सी से। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ किडनी बायोप्सी, कुछ केसेज हैं जिसके अंदर हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किया गया है किडनी बायोप्सी को, जैसे ब्लीडिंग टेंडरनेस, किसी पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी रहता हो, मतलब ब्लीडिंग होता हो तो रुकता नहीं हो। इसके बाद से अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो, सेप्सिस हो, इन्फेक्शन हो। इसके बाद से लार्ज पॉलीसिस्टिक किडनी, जो पॉलीसिस्टिक का मतलब क्या होता है, सिस्ट बन जाना किडनी के अंदर, यदि बड़े सिस्ट है या फिर ज्यादा सिस्ट बन गए किडनी के अंदर तो भी जो हम बायोप्सी नहीं लेते हैं। किडनी नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म जो है वर्ड लिया गया कैंसर के अंदर, यदि किडनी के अंदर कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर्स या फिर कोई कैंसर्स हो तो भी हम नहीं लेते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशेंट को यदि यूटीआई हो रहा हो तो भी हम बायोप्सी नहीं लेते हैं, या फिर पेशेंट मोरबिड या ओबिसिटी हो, पेशेंट यदि ओबेज हो तो भी हम किडनी बायोप्सी नहीं लेते हैं। द पेशेंट में बी प्रिस्क्राइब ए फास्टिंग रेजिमेन 6 to 4 hours बिफोर द टेस्ट। किडनी बायोप्सी से जो है हमें 6 घंटे पहले, 6 से 8 घंटे पहले जो है किडनी बायोप्सी हम लेते हैं सैंपल, उससे पहले जो है हमें पेशेंट को एनबीएम या एनपीओ पे हम रखते हैं पेशेंट को, मतलब पेशेंट को हम कुछ भी खाने पीने को नहीं देते हैं 6 से 8 घंटे पहले। इसके बाद से आईवी लाइन इज इस्टेब्लिश, एक जो हम आईवी लाइन जो है इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब पेशेंट के अंदर जो है हम आईवी लाइन जो है मेंटेन करते हैं या आईवी लाइन इंजेक्ट करते हैं। इफ ए नीडल बायोप्सी इज टू बी परफॉर्म द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू ब्रीथ इन, यदि हम नीडल बायोप्सी कर रहे हैं परफॉर्म तो हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, पेशेंट को बताना है कि वो ब्रीथ इन करे, मतलब अंदर की तरफ सांस ले एंड होल्ड और रोक के रखे दैट ब्रीथ, जो सांस उसने अंदर की तरफ लिया है उसको रोक के रखे, किसके लिए, टू प्रिवेंट द किडनी फ्रॉम मूविंग, इससे क्या हो किडनी जो मूव आउट नहीं हो व्हाइल द नीडल इज बीइंग इंसर्टेड, जब हम नीडल को इंसर्ट कर रहे हो उस टाइम। द सिडेटेड पेशेंट इज प्लेस्ड इन ए प्रोन पोजीशन विथ ए सैंड बैग अंडर द एब्डोमन, यदि हम पेशेंट को सिडेटिव्स कर दिए, पेशेंट को यदि हम बेहोश कर दिए
तो हमें पेशेंट के प्रोन पोजीशन में, मतलब पेशेंट को उल्टा लिटा देना है, और इसके बाद जो एक सैंड बैग जो है अंदर एब्डोमन, मतलब पेट के नीचे जो एक सैंड बैग जो है हमें इंसर्ट कर देना है, मतलब लगा देना है पेशेंट के अंदर, और पेशेंट को प्रोन पोजिशन में लिटा देना है। द स्किन एट द बायोप्सी साइट इज इनफिल्ट्रेटेड विथ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, मतलब जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है लिग्नोकेन है, इसको हमें इनफिल्ट्रेट करना है, मतलब टिश्यू के अंदर एडमिनिस्टर करना है। द स्किन एट द बायोप्सी, बायोप्सी से पहले जो हमें इन्फिल्ट्रेट करना है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, इन्फिल्ट्रेट मतलब एडमिनिस्टर करना है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, इन्फिल्ट्रेट मतलब फैलाना है, इन्फिल्ट्रेट करवाना है। द बायोप्सी नीडल इज इंट्रोड्यूस जस्ट इन साइड द रीनल कैप्सूल ऑफ द आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द किडनी, जो आउटर क्वाड्रेंट है, जो आउटर क्वाड्रेंट है किडनी के, उसके अंदर जो है रीनल कैप्सूल के अंदर जो है हमें नीडल बायोप्सी, जो नीडल है उसको इंसर्ट करना है। द लोकेशन ऑफ नीडल मे बी कन्फर्म्ड बाय फ्लूरोस्कोपी, फ्लूरोस्कोपी के द्वारा जो हमें नीडल का जो लोकेशन है इसको कन्फर्म करना है, या फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा। इन विच केस ए स्पेशल प्रोब इज यूज, और इन केस के अंदर जो हमें स्पेशल प्रोब या स्पेशल जो ट्रांसड्यूसर है इसका हम यूज करते हैं। विथ ओपन बायोप्सी, यदि हम ओपन बायोप्सी ले रहे हैं तो ए स्मॉल इंसिजन इज मेड ओवर द किडनी, किडनी के ऊपर जो है हम स्मॉल फ्लैंक इंसिजन लगाते हैं अलाउइंग डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, जो कि हमें अलाउ करता है, दिखाता है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, डायरेक्ट दिखाता है किडनीज को। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या है ड्यूरिंग बायोप्सी, कि बायोप्सी के अंदर जो है नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या है। आफ्टर ए बायोप्सी प्रोसीजर, बायोप्सी प्रोसीजर के बाद में नर्सिंग केयर इंक्लूड, नर्सिंग केयर के अंदर इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन जो है टेम्परेचर, टीपीआर, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, इनको जो हमें मेनली मॉनिटर करना है फर्स्ट 20 आवर्स टू डिटेक्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग और इन्फेक्शन। 24 आवर्स जो पहले हैं उसके अंदर जो है हमें ब्लीडिंग और जो इन्फेक्शन है इसके भी जो साइन और जो सिम्टम्स है उसको हमें डिटेक्ट करना है, चेक करते रहना है। द नर्स शुड एसेस फॉर अदर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, नर्स क्या करती है, एसेस करती है, ध्यान करती है, पता लगाती है इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, इसके साइन सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, सच एज पैलर स्किन तो नहीं देखने को मिल रहा है, डिजीनेस में तो पेशेंट नहीं जा रहा, फ्लैंक और बैक पेन तो नहीं हो रहा पेशेंट के अंदर, इस बात को हम पेशेंट नर्स जो है चेक करता रहता है। इसके बाद से आईवी फ्लूड में भी गिवन टू हेल्प द क्लियर द किडनी एंड प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, हमें जो है पेशेंट के अंदर आईवी फ्लूड देते रहना है टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, जो क्या करेगा क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंट करते हैं। इसके अंदर हम एक थ्री वे कैथेटर भी यूज करते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं जो स्लाइन होती है उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं, और थ्री वे कैथेटर के अंदर थ्री वे यूज करते हैं, एक के अंदर जो हमें बैलून के इन्फ्लाम करते हैं, दूसरी वे से हम मेडिकेशन दे सकते हैं, मेडिकेशन के रूप में जो हम स्लाइन देते हैं इरिगेशन सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करते हैं, और तीसरा होता है जो हमें यूरिन आउटपुट के रूप में यूज करते हैं, मतलब यूरिन जो है उधर से हमें थ्रू आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होगा यदि हम इरिटेशन स्लाइन देंगे और यूरिन आउटपुट हम मेंटेन करेंगे, मतलब यूरिन जो हम बाहर निकालेंगे उससे क्या होगा ब्लीडिंग होने की चांसेस नहीं रहेंगे, मतलब ब्लड जो है वो ब्लैडर के अंदर नहीं रुकेगा। और जो थ्री वे कैथेटर का जो बैलून होते हैं उसके अंदर हम 50 ml जो है हम वाटर या जो एयर है उसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब 50 ml तक जो है हम बैलून को इन्फ्लाम कर सकते हैं ब्लैडर के अंदर, जिससे क्या होगा ब्लैडर की जो वाल्व है उसके अंदर से भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगा और ब्लैडर वाल्व को भी सपोर्ट मिलेगा। यूरिन में भी कंटेन ब्लड, यदि यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा हो तो यूजुअली क्लियर हो जाता है 24 to 48 hours, 24 से 48 घंटे के अंदर यूरिन क्लियर होता है, 24 से 48 घंटे के पहले तक जो है यूरिन के अंदर ब्लड आता है फ्रॉम ऊजिनी ऊजिंग एट साइट, क्योंकि जो साइट है जहां से हम बायोप्सी लिए हैं उस साइट पर जब तक ऊजिंग नहीं हो जाए। बेड रेस्ट शुड बी मेंटेन एंड प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाइड फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड एट द टाइम टू कंट्रोल ब्लीडिंग, हमें जो है प्रेशर ड्रेसिंग करना है, अप्लाई करना है फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड, जब तक के लिए हमें कहा गया हो डॉक्टर के द्वारा, टू मेंटेन करने के लिए कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के जो है मेंटेन और कंट्रोल करने के लिए जो है हमें प्रेशर ड्रेसिंग को जो है अप्लाई करना है, प्रेशर ड्रेसिंग करना है और पेशेंट को जो है हमें बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है। पंक्चर साइट शुड बी एग्जामिन फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, जहां जिस साइट पे हमने पंक्चर किया है या फिर जो इंसिजन लगाया है उस साइट से कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके साइन और सिम्टम्स को हमें चेक करते रहना, जैसे रेडनेस तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं देखने को मिल रहा है, ये सब हमें चेक करना है।
एनाल्जेसिक एजेंट शुड बी गिवन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड नीडेड फॉर पेन। जो एनाल्जेसिक एजेंट, एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो हमें पेन से रिलीफ दिलाता है, जो एनाल्जेसिक एजेंट है वो हमें प्रिस्क्राइब करना है एंड नीडेड फॉर पेन, जो कि हमारे जो पेशेंट को पेन हो रहा है उसको कम करेगा और पेन से पेशेंट को रिलीफ दिलाएगा। पेशेंट केयर ड्यूरिंग यूरोलॉजिस्ट टेक्निक विथ कॉन्ट्रास्ट एजेंट। यूरोलॉजिक जो है अपना टेस्टिंग जब करता है कॉन्ट्रास्ट एजेंट के साथ, तो हमें क्या क्या पेशेंट का केयर करना चाहिए ड्यूरिंग यूरोलॉजिस्ट टेस्टिंग विथ कॉन्ट्रास्ट एजेंट के साथ। फॉर सम पेशेंट कॉन्ट्रास्ट एजेंट आर नेफ्रोटॉक्सिक और एलर्जेनिक। मतलब कुछ पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो नेफ्रोटॉक्सिक भी कॉज कर सकता है और एलर्जी भी कॉज कर सकता है, इसलिए पहले हमें इन नेफ्रोटॉक्सिक और जो एलर्जिक टेस्ट है इनको कर लेना चाहिए। इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड मेडिकेशन शुड बी अवेलेबल इन केस ऑफ एनाफाइलेटिक रिएक्शन। एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है टू कॉन्ट्रास्ट एजेंट के द्वारा, इसलिए जो हमें इमरजेंसी इक्विपमेंट और मेडिकेशन जो है उसको रेडी रखना है। इमरजेंसी सप्लाईज इंक्लूड एपिनेफ्रीन, कोर्टिकोस्टेरॉइड, वैसोप्रेशर, ऑक्सीजन एंड एयरवे और सक्शन जो इक्विपमेंट है, एयरवे, ऑक्सीजन, वैसोप्रेशर जो है वेसल्स को प्रेस करने वाला, एपिनेफ्रीन इंजेक्शन, कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये सब जो है हमें इमरजेंसी सप्लाई के रूप में, इमरजेंसी मेडिकेशन के रूप में तैयार रखना है जब हम पेशेंट का यूरोलॉजिक टेस्टिंग कर रहे हो विद कॉन्ट्रास्ट एजेंट के साथ। नर्सिंग एक्शन फॉर पेशेंट प्रिपरेशन। नर्सिंग एक्शन क्या है इसके अंदर, फॉर पेशेंट को प्रिपरेशन करते हैं कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहले हम करते हैं ऑब्टेन द पेशेंट एलर्जी हिस्ट्री। पेशेंट का एलर्जी हिस्ट्री को हम पता लगाते हैं विद एम्फसिस ऑन एलर्जी टू आयोडीन। मेनली जो हम आयोडीन जो है एजेंट यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में। इसके बाद सेल्फिश का यूज करते हैं एंड अदर सी फूड बिकॉज में कॉन्ट्रास्ट एजेंट कंटेन आयोडीन। कोई सी फूड से जो है पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो मेनली सी फूड का बना हुआ होता है, इसलिए हमें पेशेंट का सबसे पहले एलर्जिक हिस्ट्री चेक करनी है। इसके बाद से ऑब्टेन करना है हेल्थ हिस्ट्री। इसके बाद जो पेशेंट का हमें हेल्थ हिस्ट्री लेना है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट शुड बी यूज्ड विद ग्रेट कॉजन इन ओल्डर पेशेंट एंड पेशेंट हु हैव मल्टीपल माइलोमा हो, पेशेंट के अंदर रीनल इंपेयरमेंट हो और वॉल्यूम डिप्लीटेशन हो। यदि पेशेंट के अंदर वॉल्यूम डिप्लीटेशन का मतलब होता है फ्लूड जो है एक्यूमुलेट हो रहा हो बॉडी के अंदर, या रीनल इंपेयरमेंट किडनी ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा, मतलब ठीक से मतलब इंपेयरमेंट रीनल बोले तो किडनी ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा हो, यूरिन ठीक से बाहर आउट नहीं हो पा रहा हो, तो पेशेंट के अंदर यदि मल्टीपल माइलोमा हो रहा हो तो हमें कॉन्ट्रास्ट एजेंट को जो है अवॉइड करना होता है। ऑब्टेन मेडिकेशन हिस्ट्री, नेफ्रोटॉक्सिक हमें जो मेडिकेशन की जो हिस्ट्री है उसके भी जो हमें पता करना है या पता लगाना होता है। नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन सच एज वेंकोमाइसिन, वेंकोमाइसिन क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन है, एम्फोरेटेरिसिन, बी मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन जो है मेनली हम देते हैं शुगर वाले पेशेंट को, एंड नॉन स्टीरोइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स नसेड्स शुड बी डिसकंटिन्यू बिफोर द कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट के अंदर, जो आयोडीन एजेंट है वो हम एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट के अंदर, उससे पहले नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन सच एज वेंकोमाइसिन है, इसके बाद से मेटफॉर्मिन है, नसेड्स हैं, इन सबको डिसकंटिन्यू करना है बिफोर कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्टर से पहले। चेक किडनी फंक्शन एट रिस्क पेशेंट, यदि पेशेंट रिस्क पर है तो हमें किडनी फंक्शन को चेक करना है। पेशेंट शुड रिसीव आईवी हाइड्रेशन प्रायर टू द प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के थ्रू जब हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट एडमिनिस्टर करके जब हम डायग्नोस करेंगे यूरोग्राफिक, तो हमें पेशेंट के अंदर आईवी हाइड्रेशन को जो है प्रॉपर मेंटेन करके रखना है प्रायर टू द प्रोसीजर, प्रोसीजर के द्वारा। इन्फॉर्म द पेशेंट दैट दे मे एक्सपीरियंस ए टेम्पररी, हमें इन्फॉर्म करना है पेशेंट को, पेशेंट को बताना है कि पेशेंट ये एक्सपीरियंस कर सकता है, मतलब पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि टेम्पररी फीलिंग ऑफ वार्म, थोड़ी देर के लिए उसको गर्माहट महसूस हो रहा हो, फ्लशिंग ऑफ फेस मतलब चेहरा लाल हो जाना, एंड अनयूजुअल फ्लेवर सिमिलर टू डैट ए सी फूड, सी फूड के साथ जैसा होता है, इन द माउथ व्हेन द कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज इन्फ्यूज। जब हम पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रास्ट एजेंट को एडमिनिस्टर करते हैं या इन्फ्यूज करते हैं, उस टाइम पेशेंट का जो
फेस है वो फ्लशिंग हो सकता है, मतलब रेडनेस शो कर सकता है। पेशेंट जो है गर्माहट फील कर सकता है। पेशेंट का मुंह का जो स्वाद है वो बदल सकता है। इसलिए हमें एक नर्सिंग रोल ये भी है कि पेशेंट को जब हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट एडमिनिस्टर कर देते हैं, इसके बाद मौत केयर प्रोवाइड करना। अगला हम बात करते हैं नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एंड पोस्ट प्रोसीजर। नर्सिंग एक्शन के ड्यूरिंग और पोस्ट प्रोसीजर में मॉनिटर पेशेंट क्लोजली फॉर एलर्जिक रिएक्शन एंड मॉनिटर यूरिन आउटपुट। जो इनपुट आउटपुट चार्ट है उसको हमें मेंटेन करना है और मॉनिटर करना है यूरिन आउटपुट को, मॉनिटर करना है पेशेंट को क्लोजली फॉर एलर्जिक रिएक्शन। पेशेंट के अंदर कोई एलर्जी रिएक्शन तो नहीं हुआ है, इसके लिए भी हमें चेक करना है। मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस, पेशेंट का जो है हमें हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, मतलब पेशेंट के अंदर हमें डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, फ्लूड लेवल जो है उसको मेंटेन करके रखना है। थैंक यू, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया हो। यदि समझ में आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोज को लाइक करें। थैंक यू।